66 हमने सेलेक्ट किए, उस 66 की जो वैल्यू आई वो 1.8 मिलियन राइट। फिर जाहिर है कि जब हम कोई आइटम सेलेक्ट करते हैं तो पहले उसकी एक्यूरेसी को भी चेक कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि हम एक गलत आइटम या गलत सैंपलिंग यूनिट डेराइव कर रहे हैं, वो अर्थमेटिकली ही गलत था और हमने उसको उठाया और हम उस पर सैंपलिंग करें, गलत आइटम पर सैंपलिंग करें। तो इसलिए हम ये यहां पर ये कहा गया है कि दैट हैज बीन टेस्टेड टू एंड फ्रॉम द सेल्स लेजर, चेक हो चुका है ये, एंड हैड बीन एडिड एंड अग्रीड इन टोटल टू द बैलेंस ऑन द कंट्रोल अकाउंट इन द जनरल लेजर। यानी इसमें कोई अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वरना फिर सैंपल रिजल्ट्स एंड एनालिसिस। जब हमने इसको सैंपल किया और हमने कंफर्मेशन के लिए भेजा तो रिप्लाइज वर रिसीव फ्रॉम 5 लार्ज कस्टमर्स, 5 लार्ज कस्टमर ने रिप्लाई दे दी। 60 ऑफ दो सैंपल, दैट मीन्स 6 लोगों ने रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है। अब 6 लोगों ने रिप्लाई नहीं दिया तो व्हाट डू वी डू, दैट्स अ सेपरेट ISA दैट इज डीलिंग विद दैट, बट वेरी ब्रीफली वी अप्लाई ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स, ओके, एंड वी अप्लाइड ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स ऑन दोज 6 कस्टमर्स फेलिंग टू रिप्लाई एंड फाउंड देम करेक्ट, और ठीक निकला। सैंपल एरर 30,000, ओवर स्टेटमेंट आउट ऑफ 60 रिप्लाइज, ये हमारी सैंपल एरर निकली 60,000 की अस्यूमिंग। लार्ज कस्टमर में सिर्फ 10,000 रुपए की एरर निकली, ठीक। यू कैन चेंज द फिगर्स, आई मीन दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल जस्ट टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग। For the sake of simplicity, we are assuming no anomalous errors detected. तो अगर detected होती तो हम इसको minus कर देते, कौन सा मसला है? The reported errors were considered qualitatively. हमने सारा consider कर लिया, जो अभी हमने qualitative discussion की, qualitatively we have considered those errors. और इसके बाद ये table हमने बनाया, देखें, population, stratum and sample. Stratum क्या था? 5 million का. अलग हमने स्टाटा आया, स्टाटा इज अ प्लूरल, स्टाटम इज अ सिंगुलर, ओके, ऑफ अ सब पॉपुलेशन। द रिपोर्टेड एरर्स वर कंसीडर्ड क्वालिटेटिवली और दोज कंसीडर्ड टू रिफ्लेक्ट एरर्स इन पॉपुलेशन आर डिटेल्ड बिलो। पॉपुलेशन, स्टाटम एंड सैंपल, रिकॉर्डेड रुपीज, मटीरियल आइटम, सैंपल आइटम, दोनों को अलग रखें। 5 मिलियन रिकॉर्डेड था, इसमें 37 5 मिलियन और 1,800,000 को हमने सैंपल कर लिया। ऑडिटेड रुपीज हमारे पास किया है 4.990, वाई 10,000 की एरर है, 1.770, वाई 30,000 की एरर, ठीक है, वो हम ऐड कर दें आप इसको साइट पर तो 5 मिलियन और 1.8 मिलियन हो जाएंगे, ये कर लिया हमने। अब हम प्रोजेक्शन करने लगे, यस, सेम सिंपल फॉर्मूला, errors in sample items divided by sample into population, 30,000 divided by 1.8 million into 37 million 37.5 million will give you 6,25,000 rupees. Don't worry, you will get the solution also iske baad, so just to you know explore our mind, so abhi aapko solution bhi de dete hain iska. Conclusion kya hai? अब क्या हुआ, जब हमने डिस्कस किया क्लाइंट से तो उसने क्या किया, उसने 30,000 की करेक्शन कर ली, एरर को ठीक कर लिया, ठीक, बट डिस्प्यूटेड 10,000 में उसका डिसएग्रीमेंट है, उसके हिसाब से एरर नहीं है, इसके दो आई डोंट वांट टू डू इट, तो ये हमारी अब अनकरेक्टेड एरर रह गई ऑन लार्ज अकाउंट्स। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसकी NPPE निकालेंगे, यानी नेट प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन एरर, नेट प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन एरर, जिसको हम फाइनली अपनी मटेरियलिटी लेवल से मैच करेंगे कि वेदर वी हैव अचीव्ड अवर ऑडिट ऑब्जेक्टिव और वी हैव नॉट अचीव्ड अवर ऑडिट ऑब्जेक्टिव, और देयर इज दिस इज हाउ डू वी अराइव एट, जो ऊपर 6,25,000 आपने अराइव एट किया After projecting errors, sample की जो project errors है 6,25,000, उसमें से आप minus कर देंगे corrected error, तो ठीक हो गई ना,
30,000 की आपकी करेक्शन हो गई, ठीक, प्लस 10,000 डिस्प्यूटेड, सो टोटल इज 605,000, टोटल इज 605,000. नाउ दिस इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन टॉलरेबल एरर ऑफ 1.3 million. सो कॉन्ग्रेचुलेशन. सो इट मे बी कंक्लूडेड दैट द रिकॉर्डेड एग्जिस्टेंस ऑफ डेटर इज नॉट मटीरियली मिसस्टेटेड. सो यू सी, इफ यू लुक एट दिस एक्सरसाइज, हाउ सिंपल इट साउंड्स, ओके, and these reliability factors and these things are, they are all available, okay, you don't have to compute, you don't have to take it out. Jaise yahan par jo source hai, dekhe, adopted from maine bhi kahin se liya, adopted from audit and accounting guide, audit sampling, page 59, the American Institute of Chartered Public Accountant. Okay, I am in the concluding remarks, I would say that the issue is not whether you go for statistical sampling or a non-statistical sampling. The issue is of the verification. The issue is of obtaining sufficient appropriate audit evidence to form conclusions over individual conclusions, checking performance materiality at each assertion, arriving at the overall conclusion, and finally framing and expressing an opinion on the financial statement, that whether it gives true and fair view or it does not give true and fair view. Thank you very much. If you have any question, thank you very much. Answer दे दो. Thank you very much, Mr. Abbas. Your presentation was indeed comprehensive and very detailed. I believe all the members present must have gained a lot about the techniques of audit sampling. Now it's time to have a question and answer session. If you have any questions, our speaker would be pleased to respond to these questions. Do you have any questions, or shall we proceed for the concluding remarks by the session chairman? So now I would request the session chairman, Mr. Ahmed Patel, to please come and give his concluding remarks about our today's session. Please welcome him. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. First of all, let me congratulate Mr. Abbas for giving us a very lucid explanation of this ISA 530 on audit sampling. It is supposed to be a very difficult and complicated audit standard, but I think he made it quite simple for us. I made one or two notes whilst I think his whole presentation was very comprehensive, but I agree with him that it's impossible to really carry out now 100% checking of transactions because of the enormous amount, increase in the amount of business, etc. It is just not possible to carry out 100% examination, and hence we have to then fall back on audit sampling or test checking, whatever we call it. One thing I want to add to his excellent presentation is that our own company law, Companies Ordinance 1984, and in our own auditor's report, we state that we have obtained all the information and explanations which we considered necessary for our examination. So there is a implicit direction there that an auditor can use or can examine whatever he considers necessary for examination. Also, this financial statements here, there is a